हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बेस्ट ट्रिक फॉर द ऑल नेम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड इथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है अल्कोहल फिनोल एंड इथर, एंड इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बन जाती हैं लाइक डोज प्रोसेस, कोल बेज रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, एस्ट्रिफिकेशन, इस तरह से। तो इन रिएक्शन को बहुत बढ़िया ट्रिक्स के साथ देखेंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है चैप्टर में वो भी हम लोग देखने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स को। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसे ज्वाइन कर लें सो दैट कि आपको इस लेक्चर के नोट्स, इसके अलावा जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनके नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं एंड उनकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक के टॉपर सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ अल्कोहल फिनोल एंड इथर। इस सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो मैं करवा दूंगा। 11 बजे क्लास होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी और इस क्लास को अनलॉक करने का कोड है BPanchal10। अच्छा, एक बात और है कि ये क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, तो अगर आपने रिकॉर्डेड देखनी है, मतलब इनकेस आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते हो, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना 2x की स्पीड में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हमारे अल्कोहल फिनोल इथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी। तो सबसे पहले मैंने इन दो टॉपिक को लिया है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन एंड एसिड कैटलाइज्ड, दूसरी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दोनों नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं बताता हूँ पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है दोनों से। लाइक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, दोनों तरफ प्रोपीन ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर मार्कोनी को रूल फॉलो किया जाता है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो किया जाता है। इन दोनों में ही हाइड्रेशन होती है, बात यह है कि इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। डायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब है कि आपको दिखाई देगा H2O जुड़ता हुआ, आप H2O डालोगे तो वो आपके आंखों के सामने साक्षात होगा, ठीक है। और यहां पर कैसी रिएक्शन होगी, यहां पर आपकी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होने वाली है, डायरेक्ट नहीं होगी, यहां पर आपकी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है, बस दैट्स ऑल। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो पहले एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी ये रिएक्शन। तो क्या होगा भैया, डबल बॉन्ड को सिंगल में ब्रेक कर दोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड बदला सिंगल में CH2। अब जब डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है तो इनके बॉन्ड कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही पता होगा जब यहाँ पे मार्कोनी को रूल फॉलो हो रहा है, तो मार्कोनी को रूल क्या होता है, नथु लाल हलवाई मीन्स क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन विल गोज टू लोअर हाइड्रोजन। तो जो आपने H2O ऐड किया है, इसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो लोअर हाइड्रोजन के पास जाएगा, यानी कि इधर जाएगा और एच जाएगा इधर। तो ये हमारा क्या बन चुका है, प्रोपेन टू ओल। तो अगर पेपर में कभी प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना आ गया तो ये रिएक्शन लगेगी, ठीक है, टू बीच में अगर लगाना है। और यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बोरन लेते हो, BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइबोरन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर इसको रखना चाहते हैं हम इस फॉर्म में, तो हमें THF लेना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोफिरोन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, हम इसमें ऐड करेंगे परोक्साइड H2O2। अब देखो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो हमारी हुई है एसिड की प्रेजेंस में, जो ये वाली रिएक्शन है, और ये वाली जो हमारी रिएक्शन होगी ये होगी बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव में, एंड H2O2 है, परोक्साइड है। परोक्साइड एक कॉमन सेंस देता है कि यार यहाँ पे एंटी मार्कोनी को फ्रूल लगने वाला है। एंटी मार्कोनी को फ्रूल क्या होता है, नथु हरा हलवाई, यानी नेगेटिव विल गोज टू हायर हाइड्रोजन। तो देखिए CH3 CH CH2, तो इनके बॉन्ड कम हुए, तो इसमें वाटर का जो नेगेटिव OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा, और ये क्या बन चुका है, प्रोपेन वन ओल। देखिए बेटा जी, ये क्या है, प्रोपेन टू ओल है, और ये क्या है, प्रोपेन वन ओल है, फोकस कीजिए। तो अगर कभी भी आपको टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है, टर्मिनल मीन्स होता है एंडिंग पोजीशन, अगर आपको कभी भी एंडिंग पोजीशन पे ग्रुप लगाना है, तो हमेशा आप लोग एंटी मार्कोनी को रूल को फॉलो करने वाले हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस बड़ी फेमस प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का यूज किया जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ
फिनोल। अच्छा एक और बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है ये भी आपने बतानी है, और किसी भी नेम रिएक्शन की ट्रिक को सर ज्यादा अच्छे से इस तरह से भी किया जा सकता था वो भी आप लोग बता सकते हो, सो दैट कि इन फ्यूचर जो आपके जूनियर आए वो आपकी ट्रिक सीखें। चलिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के लिए डोज प्रोसेस को यूज किया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, ढोकला ढोकला खाके बेंजी, ढोकला खाके बेंजी बेसमेंट में गई, कहाँ चली गई बेसमेंट में गई, और वहां पे उन्होंने क्या की हल्की दारू लगा ली, दारू पी ली। आजकल तो हो चुका है मेट्रो ये जो बड़े बड़े महानगर है यहाँ चलती है, नहीं पीनी चाहिए, पी ली। अब दारू पी तो वहां पे ना उन्हें बड़ी बेसमेंट में बड़ी घुटन गर्मी सी महसूस होने लगी, ये मतलब एक बनाई हुई ट्रिक है, याद हो जाएगी तुम्हें। डोज डोज से याद रखिए ढोकला बेंजीन, ठीक है ढोकला बेंजीन मतलब डोज प्रोसेस में क्ला बेंजीन यानी क्लोरो बेंजीन आप लोगों ने लेना है। बेसमेंट वर्ड देखिए मेरे हिसाब से देखो यार मैक्सिमम बच्चे 2-3 महीने से तो मेरे साथ रेगुलर पढ़े रहे हो आप लोग, तो 2-3 शब्दों से तो तुम लोग यूज टू हो चुके होंगे। अगर कभी भी मैं बोल रहा हूँ बेसमेंट, बेसमेंट यानी कि यहाँ पे बेस लिया जाएगा, हल्की हल्की है तो HCl लिया जाता है, हल्की हकला ये HCl के लिए है, ठीक है। और दारू पीली का मतलब क्या है कि ये जो बेंजी है दारू पीली, दारू पहचान किस ग्रुप की होती है अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पे OH लग जाएगा। ढोकला खाके बेंजी बेसमेंट में चली गई, ढोकला यानी कि डोज प्रोसेस में क्ला बेंजी, बेंजी होता ना ऐसा, तो क्लोरोबेंजीन लेना है आप लोगों ने। बेसमेंट यानी NaOH, हल्की दारू पी ली हल्की यानी HCl, और दारू यानी कि उस पर OH लग जाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन आप लोगों को याद रखनी होती है, 623 केल्विन हमारा टेम्परेचर रहता है और 300 एटमोस्फेरिक यहाँ पर प्रेशर रहता है। नेक्स्ट इज क्यूमिन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है क्यूमिन प्रोसेस भी, इसको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, क्यूमिन प्रोसेस को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, ओ कमीने फिनोल, ओ कमीने फिनोल, कमीने कमीने मीन्स आपने क्यूमिन लेना है, और क्यूमिन बोला जाता है बेटा जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, किसे बोलते हैं क्यूमिन हम लोग, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। ओ यानी कि आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, O2 के साथ रिएक्शन करनी है, तो O2 यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन करता है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये बीच में जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए C इधर क्या है CH3, ऊपर क्या है CH3, और ये दो ऑक्सीजन इधर, ठीक है। फिर क्या करना है इसको एसिड के साथ ट्रीट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा आप नोटिस करोगे कि ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। क्या पोर्शन टूट गया यहाँ से CH3 CO CH3, और बेंजीन के पास क्या बच गया भैया OH, रिएक्शन को समझ पा रहे हो, ओ कमीने फिनोल, क्यूमिन लेना है उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, किया फिर क्या करोगे उसको एक्सपोजिटिव के साथ ट्रीट करोगे तो CH3 CO CH3 बाहर निकलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, ठीक है ये एसीटोन है और बेंजीन के ऊपर OH बचा, बेंजीन के ऊपर OH यानी कि फिनोल बच गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल दो तरह से है, एक जगह पे डाइल्यूट है और एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, इंपॉर्टेंट है दैट्स व्हाई मैं ये करवा रहा हूँ। फिनोल होता है बेटा जी कुछ इस तरह से, ये है बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है ये है बेंजीन के ऊपर OH, और इसकी नाइट्रेशन करनी है, नाइट्रेशन यानी कि आप करवाओगे HNO3 लोगे, और वो भी क्या लेना है आप लोगों ने डाइल्यूट, ठीक है, और यहाँ पर भी नाइट्रेशन करवानी है HNO3, और HNO3 यहाँ पे क्या लोगे कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो देखिए बेटा जी जब आप डाइल्यूट लोगे मीन्स इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम है, तो HNO3 में पता ना आप लोगों को अटैक कौन करता है, NO2 अटैक करता है, किस पोजीशन पे अटैक करेगा, और वो अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर किस पोजीशन पे अटैक करने वाला है पैरा पोजीशन पे, इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। और अगर मैंने कंसंट्रेटेड ले लिया, कंसंट्रेटेड इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और बहुत जगह पे अटैक होगा, एक्चुअल में कुछ इस तरह से अटैक होने वाला है, OH इधर और ये जो भी ऑर्थो एंड पैरासाइट है यहाँ पर NO2 ग्रुप अटैक कर देगा, NO2 इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल,
इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड और ये एक्सप्लोजिव का काम करता है। करवाने की मतलब क्या है, क्योंकि पेपर में दिया जा सकता है एक जगह पे आपको डाइल्यूट दे दिया, अगर आपको डाइल्यूट दिया है या तो आप ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक करोगे या फिर पैरा, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अटैक करोगे अलग अलग, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होता है। बट अगर आपने ये कंसंट्रेटेड ले लिया तो बेटा जी ये मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो जितनी भी ऑर्थो एंड पैरासाइट्स होती हैं उन सब जगह पे अटैक करेगा। बैलेंसिंग करने के लिए आप याद रखिए इसको 3 times लेंगे, 3NO2 ग्रुप लगेंगे। जब 3NO2 ग्रुप यहाँ पर लगेंगे तो यहाँ से क्या हटेंगे, 3H हटेंगे, वो इन 3OH के साथ क्या बन जाएंगे, 3H2O, कुछ इस तरह से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल एंड ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन कार्बन डाइसल्फाइड है और ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन वाटर है, कुछ उसी तरह की रिएक्शन है। इवन ये ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल तो बहुत फेमस टेस्ट भी होता है, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोला जाता है इसे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं हम लोग। तो देखिए होगा क्या, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल में आप लोग फिनोल लेने वाले हो, फिनोल इज बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, इसकी ब्रोमिनेशन कर दीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो अगेन वही बात है कि कार्बन डाइसल्फाइड होगा तो एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे वाटर के उसमें नाइट्रेशन वाले में डाइल्यूट था तब एक्टिविटी कम थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस यहाँ पे क्या लग जाएगा NO2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा NO2, ठीक है। अगर इधर ध्यान दीजिए, यह OH इसकी ब्रोमिनेशन की वाटर, ये इसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा और ये ब्रोमीन हर जगह अटैक करेगा जितनी भी पॉसिबल होती हैं। देखिए बेटा फिनोल में पॉजिटिव रेजोनेंस होती है और पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से ये साइट और ये साइट एक्टिव हो जाती है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, गलत लिख रहा हूँ, NO2 नहीं आएगा फिर ना, इसी बात में बच्चे कमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा इंसान गलतियों का पुतला है भाई, क्षमा कर दिया करो मुझे, ठीक है। ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो Br लगेगा, इधर भी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो Br ही लगने वाला है, ठीक है, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। आगे मूव करते हैं, ये तो भाई साहब इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर की जान है ये रिएक्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोल्ब्स रिएक्शन को जो पेपर में आ सकती है ये आ सकती है, दूसरे नाम से कंफ्यूज मत हो जाना अगर इस नाम से आ गई, कन्वर्ट फिनोल इंटू सैलिसिलिक एसिड। फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देना है, सैलिसिलिक एसिड में, और इधर ध्यान दीजिए तो कन्वर्ट फिनोल इंटू, फिनोल को किस में कन्वर्ट करना है, सैलिसल्डिहाइड में, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, कुछ इस तरह से है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो सबसे पहले फिनोल लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारे पास फिनोल है, और आजकल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, कोरोना केसेस बहुत बढ़ गए हैं, मैं सच्चाई बताऊँ तो मैं नहीं चाहता कि एग्जाम टाइम में मैं बीमार हो जाऊँ और तुम लोगों की पढ़ाई किसी तरह से अफेक्ट हो जाए। एंड सेम मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पर रह रहे हैं, सेफली रह रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिनोल है और इन दोनों रिएक्शन में कुछ सिमिलैरिटी होती है, क्या सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे हम लोग बेस से स्टार्टिंग करती हैं, NaOH NaOH दोनों में ही। एक और सिमिलैरिटी होती है कि एंडिंग होती है HCl से। अच्छा अभी एक जगह पे फिनोल बना रहे थे हम लोग डोज प्रोसेस से, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो अगली सिमिलैरिटी, ठीक है, पहली NaOH और दूसरी HCl है, दोनों में ये है। अब ये बात है डिसिमिलैरिटी क्या है, अलग क्या है। देखिए कोल्ब्स रिएक्शन में देखो बेटा सैलिसिलिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से यहां पर लगता है CHH, तो CHH लगाने के लिए मुझे यहां पे क्या लेना पड़ेगा, CO2। और अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हो, प्राइमर टाइमर रिएक्शन की बात करते हो, तो ये है यहां पे क्या लग जाएगा, CH, तो उसको बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3। आगे बढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन, और मैंने इवन कई बार कराई भी है आपको, इसका सिंपल सा वे मैंने आपको बताया हुआ है, कि मैंने हमेशा बाबू सोना से मना किया है कि इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो विलियम का एक सन था, वो बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया, ठीक है, और उसके बाबू सोना का नाम था हैलोल्किन। तो हम उसे क्या बोलते थे कि भाई रोना हैलोल्किन की याद में,
विलियम का सन था वो बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया, और हम उसे हर बार क्या बोलते थे, भाई रो ना हैलोल केन की याद में, बट वो फिर भी रोता रहता था आर बार। ठीक है, ये एनएक्स बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये मेरे पे जरूर कॉपीराइट का क्लेम डलवाएंगे बैकग्राउंड म्यूजिक वाले। ये प्लस में क्या बन गया इधर, एनएक्स। देखिए आर का मतलब होता है कार्बन, सी एस थ्री ओ एन, और इधर क्या है सी एस थ्री सी एल, तो क्या होगा भाई ध्यान दीजिए, ये एन ए, ये चीज बाहर निकल जाएगी, क्या बन गया एन ए सी एल, और ये क्या बन गया बेटा जी सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, याद रहेगा रोना हैलोरकिन की याद में। नेक्स्ट इज फिशर स्पायरेस्ट। अच्छा, इन रिएक्शन को हम कैसे याद रख सकते हैं, कोल्ब रिएक्शन को जो मैंने याद किया वो किया हुआ है कोल्बे की कार या कोल्ब की कार, कोल्ब की कार, कोल्ब की कार मतलब कोल्ब रिएक्शन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, और रामू का आलू, रामू का आलू मतलब राइमेटाइमेट रिएक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं एल्डिहाइड। ध्यान दीजिए जो कोल्ब रिएक्शन है उसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है, और जो राइमेटाइमेट रिएक्शन है उसमें हमने क्या लगाया है एल्डिहाइड लगाया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फिशर स्पायर एस्टरीफिकेशन। क्या है, कार में बैठी है श्राबी स्त्री, इसको कैसे याद रख लो, ओके कुछ इस तरह से, कार में बैठी है श्राबी एंड हकली स्त्री, हकली स्त्री, नाम से क्लियर है कि एस्टरीफिकेशन है तो इसमें एस्टर बनेगा कुछ इस तरह से। लोगे आप लोग, आपके पास ये है आर सी डबल ओ एच है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराओगे आप एक किसके साथ, एक शराबी यानी अल्कोहल, हकली यानी कि HCl एसिड है, HCl की जगह हम दूसरा भी ले सकते हैं एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया जा सकता है, बट अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इस रिएक्शन का नाम फिशर स्पायर एस्टरीफिकेशन नहीं होगा, तब इस रिएक्शन का नाम सिंपल सा एस्टरीफिकेशन ही होने वाला है। ठीक है, तो क्या है, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, शराबी यानी आर ओ एच, हकली, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए एसिड जब भी होते हैं ना ये वाटर का रिमूवल करवा देते हैं, तो ये यहाँ से बाहर निकल गए एच एंड ओ एच बाहर निकले तो क्या बन गया एस्ट्रो, और ये क्या बच गया हमारे पास आर सी डबल ओ आर, कार्बन ले लीजिए, ये है सी एस थ्री सी डबल ओ एच, और इधर भी है सी एस थ्री ओ एच, एस सी एल होगा, तो यहाँ से क्या होने वाला है, ये एच और ये ओ एच बाहर निकल जाएगा, एच एंड ओ एच बाहर निकल के बन जाएगा एच टू ओ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ सी एस थ्री, ये हमारे पास क्या बन चुका है एस्टर, और ये है फिशर स्पायर एस्टरीफिकेशन। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एस सी एल की जगह एस्टर से फोर लोगे एसिड वाटर को तो रिमूव कर देगा, बट इस रिएक्शन का नाम फिशर स्पायर नहीं रहेगा, फिशर स्पायर के लिए फिक्स कंडीशन है कि आपको एस सी एल लेना पड़ेगा, कार में बैठी है शराबी हकली स्त्री। सो दैट्स ऑल, ये हमारी सारी की सारी बेटा जी नेम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल इथर, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना वीडियो को, थैंक यू सो मच, और बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।